करता है उसको गाली दे रहा हूँ। चूतिया होगा वो भाई, और उसके घर वालों ने अच्छे तरीके से परवरिश नहीं करी है, इसलिए वो चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं खरीद सकता तो दूसरों की चीज़ों को नुकसान। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम ये मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, एंड पास में ही घर के पास ही है, एंड मुझे कुछ चीज़ें बतानी थी कि भाई जो होता है ना कि लोग जलना स्टार्ट हो जाते हैं अगर कोई तरक्की कर रहा होता है, अपना नाम कर रहा होता है। तो एक कहावत भी मैंने सुनी है कि पतंग और नाम जब भी ऊँचे उड़ते हैं ना, जब ज़्यादा ऊँचे उड़ने लगते हैं तो उनको काटने वाले बहुत आ जाते हैं। तो इसी नोट पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो मेरी बाइक के साथ रिसेंटली हुआ है। जो किसी और के साथ होता तो मैं भी वो हैंडल नहीं करता, ठीक है, वो एक्शंस लेता। बट एक कहावत है ना यार कि जितने अपने अपने माइंड में आप जितना शॉकर्स रख सकते हो उतना शॉकर रखो। तो वही मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पे बताने के लिए कि जो मेरी बाइक के साथ किया है लोगों ने, लोग कह सकते हैं, बच्चा कह सकता है, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पास अभी वो प्रूफ नहीं है। बट प्रूफ आएगा तो ज़रूर लेंगे उसके अच्छे से। बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था मेरी बाइक में, अभी दिखाता हूँ। सो एज यू नो गाइज, ये अपनी वीरू है, एंड वीरू की आपको मैं बताता हूँ कि बेसिकली मैंने एक ये टायर वगैरह चेंज करवाया, एंड पीछे वो नंबर प्लेट भी मैंने चेंज करवा दिया क्योंकि वो इसमें फिट नहीं हो रहा था, तो थोड़ा लुक चेंज करने के लिए मैंने करवाया वो चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे स्क्रैच मारा था किसी ने, देखो अभी तो ये आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा कैमरे में, बट यहाँ पे स्क्रैच मारा था, वो भी इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करी थी, बट मेरे एक दोस्त है जो कि पेंटर है वागेला भाई, उन्होंने कुछ पता नहीं चलने देंगे, मतलब आपको लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा लुक का ही है। बट हाँ, किया था ये चीज़ कि अगर आप जब तरक्की की और जब बढ़ोगे ना तो लोग आपको खींचने वाले बहुत मिलेंगे। यहाँ पे भी देखो क्रैक है क्योंकि इसको ना पकड़ के किसी ने ऐसे खींचा है, एंड यार इससे क्या आपको इससे क्या मिलेगा, जिसने भी किया है अगर वो मेरी ब्लॉग देख रहा है तो आई डोंट नो कि आपको इससे इसको करके इसको नुकसान पहुँचा के क्या मिल रहा है। अगर मेरे से तुमको कोई दिक्कत है, सामने आके बात करो कि भाई हाँ विशाल भाई तुमसे मेरे को दिक्कत है और ये दिक्कत है चाहे वो दिक्कत है, ठीक है। चीज़ों को नुकसान पहुंचाने से कोई फ़ायदा नहीं है यार, क्योंकि चीज़ों के लिए तो पैसे हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन अगर तुम मेरे हाथों में आ गए तो फिर मे बी तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और चाहे अगर वो बच्चा है तो भी मैं उसको यही समझाऊंगा कि अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो मुझे प्यार करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन वही सेम चीज़ अगर तुम चीज़ों को नुकसान पहुँचाओगे तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तुम यही दिखा रहे हो कि भाई तुम्हारी परवरिश में कुछ ना कुछ खोट है ना। तो चीज़ों को नुकसान पहुँचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली यही मुझे बताना था एक छोटा सा ब्लॉग शूट करके कि भाई चीज़ों को नुकसान मत पहुँचाओ यार, क्योंकि बड़ी मेहनत से खरीदी है भाई, ठीक है, जो भी खरीदी है बड़ी मेहनत से खरीदी है। तो अपने भी सामान की रिस्पेक्ट करो और उतना ही सामान दूसरों की रिस्पेक्ट करो कि भाई वो भी तो पैसे से ही खरीदता है। तो इसलिए ये चीज़ मुझे बतानी थी, और देख लो यहाँ पे मैं आ रखा हूँ, देनी चाहिए, बस मुझे चाहिए आप लोगों का प्यार और जो कि मुझे मिल रहा है, एंड जो प्यार दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं और जो इस प्यार से जल रहे वो तो जल ही रहे हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। और अपनी मिनी ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है, एंड चैनल पे अब मिनी ब्लॉग ज़्यादातर आएंगे क्योंकि यार लॉन्ग ब्लॉग शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एडिटिंग में टाइम लग जाता है, उसको प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है, तो उसका बहुत ज़्यादा माथा झंझट हो जाता है, बहुत बड़ा वो हो जाता है कि कहते हैं ना कि काम करना पड़ता है ज़्यादा, तो वो चीज़ मैं बाद में प्रोसेस करूँगा, अभी मैं किसी और प्रोजेक्ट पर बिज़ी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मिनी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, एंड होप सो हम लोग 30 ब्लॉग्स कंटिन्यूस में अपने मिनी ब्लॉग्स अपने चैनल पर डाल पाऊँ, और आप लोग लाइक एम टारगेट भी कंप्लीट करवाते रह रहे हो। और हाँ, एक चीज़ और बताने दी, आप लोगों को मैंने लाइक दिया था, लाइक एम करवाया था जो कि थी 20 लाइक्स की, तो वो भी आप कंप्लीट आराम से करवा रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए मैं मिनी ब्लॉग्स को कंटिन्यू रखूँगा, एंड ये ब्लॉग भी मैं अपलोड कर दूँगा। बाकी मैं आपको साइड प्रोफाइल इधर से दिखा देता हूँ कि कैसे दिख रही है अपनी वीरू, एंड मैं आपको इस तरफ से भी दिखाता हूँ कि उस तरफ से कैसे दिख रही है। जस्ट लुक, ये अपनी वीरू है। बाकी मिनी ब्लॉग्स आप चेकआउट करना, इसमें मैंने थोड़े बहुत ये मैंने फ्लेम भी लगवाई है आफ्टर, वही वागेला भाई ने लगवाई है, क्या दिमाग है यार उनके पास, टॉप क्लास दिमाग है, तो उन्होंने भी ये लगवाई है। इससे पहले भी मैंने लगवाई थी ये चीज़, तो उन्होंने निकाल दी थी, क्यों, क्योंकि यार बच्चों को पता नहीं क्या चुल होती है, बच्चों को चुल होती है, बड़े को चुल होती है, आई डोंट नो, वो रात में ये चीज़ करते हैं, मेरे सामने नहीं करते, मेरे सामने करेंगे तो उनको भी पता है कि क्या हल करूँगा मैं। बाकी अगर कुछ भी तुम्हें कोई दिक्कत है मुझसे तो मेरे से मिलो, विशाल भाई आपको आपसे मेरे को इस चीज़ से दिक्कत है, आपकी मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो मेरे से मिलो ना यार। तो किसने निकाला, देखो यहाँ पर गाली निकल रही मेरे मुँह से, यहाँ पे मैंने वो लगा रखा था यही स्टिकर सेम, और वो भी निकाल दिया, देखो यहाँ से दिख रहा है आपको, तो मैं क्या कहूँ यार इसको लेके, गाली निकलती है ऐसे चूतियों लोगों के लिए, मैं सबको गाली नहीं दे रहा हूँ, जो करता है उसको गाली दे रहा हूँ, चूतिया होगा वो भाई, और उसके घर वालों ने अच्छे तरीके से परवरिश नहीं करी है, इसलिए वो चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं खरीद सकता तो दूसरों की चीज़ों को नुकसान हो जाता है। और एक चीज़ याद रखना कि जिस दिन तुम मेरे को पकड़ में आ गए ना, तुम्हारी वाट लगा देनी है मेरे को, चाहे तुम बड़े हो चाहे छोटे हो, मैं खुला
खुला चैलेंज दे रहा हूँ, अगर तुम मेरे पकड़ में आ गए ना भाई, कि अगर ये वैसे भी मैं कुछ करने वाला हूँ जिससे तुम पकड़ में आ ही जाओगे, तो थोड़ा बच के रहना मेरे से, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को ऐसे भी देखा है कि जो पीठ पूछे मेरी बुराई करते हैं और सामने भैया भैया वाह वाह करते हैं, उनसे भी हमको डील करना आता है। बाकी प्यार देने वाले देते रहेंगे, नफरत करने वाले नफरत करते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे, बाकी तो हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। इसी नोट के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, जब तक के लिए बाय बाय, सेफ, और हाँ बी सेफ, और बस यही था, लव यू।